शांति। आज की तारीख है 27/1/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें कर्म फिलॉसफी समझाते हुए ये बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हम विषय विकारों के वशीभूत कर्म करते हैं और जब हम आत्म अभिमानी होते हैं तो हम निर्विकारी बन और बाबा की याद में श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो जरूर है कि जैसा कर्म वैसा फल, उस कायदे के अनुसार हम जैसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमें उसका फल श्रेष्ठ प्राप्त होता है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे और यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें क्या होता है, हर एक अपना अपना जवाब दें, फिर चेक करें कि जैसे बाबा ने जवाब दिया वैसा आपका जवाब था। यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे और बैठते हैं। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। किसको याद करना है, क्यों याद करना है, कब याद करना है, तो उसका भी ज्ञान चाहिए। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। नंबर दो है, सदा एक ही फुरना रखना है, माना चिंता रखनी है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बनकर उच्च पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे ओगारना है। वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई भी अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो ये अमानत किसकी है, बाप की है। तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी, अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी और नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव कैसे करें। तो आंतरिक खुशी और नशे के संकल्प का स्विच ऑन कर वहां ज्ञान सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी लो और बुद्धि रूपी विमान में रूहानी नशे और खुशी के डबल रिफाइन पेट्रोल द्वारा तीनों लोकों की सैर करो। अच्छा, ओम शांति।